अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद समावी में खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी नमकीन गोश्त। बहुत ही आसानी से और जल्दी तैयार होगा हमारा नमकीन गोश्त। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया जी तकरीबन आधा किलो गोश्त। ये बीफ है और इसमें अब हम शामिल कर देंगे जी तकरीबन आधा चम्मच नमक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। और आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें शामिल कर दी हैं और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन एक लीटर पानी मैंने ले लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये। आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर ही नमकीन गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसके ढक्कन को कर देते हैं बंद और इस पर रख देते हैं जी हम वेट। और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसकी सीटी को बोलने देंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें जी, 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। यहाँ पे अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और ये तकरीबन एक टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिली सॉस। एक टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। एक तो पता नहीं क्यों मेरी टंग इतनी स्लिप क्यों होती है। अच्छा, इसको हम कर देंगे मिक्स और साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और हाई फ्लेम पे हमने इसको इसके पानी को जो है वो ड्राई करना है। आप देख लें पानी इसका ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये तकरीबन थोड़ी सी ही काली मिर्च का पाउडर है। और बस ये देखें, झटपट सा हमारा नमकीन गोश्त जो है रेडी है। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये आप देख सकते हैं नमकीन गोश्त जो है वो रेडी हो गया। तो यहाँ पे जो है फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। तो ये आधा नींबू है, बस इसको मैं ऊपर से इसके ऊपर निचोड़ दूँगी। आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाकई में सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाता है और टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये देखें जी, हमारा नमकीन गोश्त जो है वो रेडी है। अगर आपको मेरी ये झटपट सी नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।